सर, हमको प्रोग्राम में जो इमरान खान का इल्ज़ाम है कि उनको मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करने की साजिश की जा रही है, और फिर राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। फैसल वाडा का ख्याल यह है, वो दो ख़ास लोगों की तरफ इशारा करते हैं, आप उनसे फेमिलियर हैं, वो दो ख़ास कौन है? कि अभी भी उनका ख्याल है कि उनका रोल है और उनकी सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज़ हो सकती है और उनके ऊपर अटैक हो सकता है। क्या रियासत के पास ऐसी इतलात हैं कि इमरान के ऊपर हमला हो सकता है? क्या इमरान को इस पर ब्रीफ किया गया, इतला दी गई है, और क्या इकदाम दिए गए? जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये बड़ी संजीदा बात है और मैं जो फैसल बात कर रहे हैं, ये कल मैं एक इन्हीं के साथ कल भी किसी टीवी प्रोग्राम पे था, वहां पर भी उन्होंने बड़ी बड़े वसूख के साथ ये बात की, और आई डोंट डाउट हिज व्हाटएवर ही सेज जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इमरान के बड़े करीब भी रहे हैं। जब इनके इख्तलाफात हुए और वो जिस बात पर हुए, ये पब्लिक गए, उन्होंने पब्लिक जाकर वो सारी बातें की, और ये खास अपनी वो इंफॉर्मेशन जो इनके पास है उसका इजहार ये बारहा करते रहे। अब हैविंग सेड सो, कि आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, मैं ऑब्वियसली एज अ गवर्नमेंट वी स्टैंड ऑन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो इसको जरूर देखा भी जाएगा और प्रोब भी किया जाएगा जो फैसल कह रहे हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इमरान क्या कह रहे हैं। देखिए, इमरान की पोजीशन जो है वो एक बंदा तो झूठ बोल सकता है, वाकया झूठ नहीं बोलते। इमरान के ऊपर जब ये पहली अटेम्प्ट हुई तो एक आदमी पकड़ा गया, अगर वो ना पकड़ा जाता और वो जो बुलेट थी जो इनके कंटेनर से फायर हुई वो उस आदमी को लग जाती तो फिर ये बात किसी और तरफ चली जानी थी। अगर वो वीडियो लीक ना होती और ये बात ना बताती जिसमें उसने ये इकरार किया कि वो एक उसके मजहबी मामलात के जज्बात थे, उसकी जहनी हालत कैसी थी और क्यों उसने वो काम किया, और फिर उसके बाद एक पूरी तारीख है कि किस तरह से वो JITs की स्टोरी बनी और वो गुलाम महमूद डोगर का किरदार क्या रहा, परवेज अली साहब की हुकूमत का किरदार क्या रहा, और उस वक्त इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब का था वो वजीर आजम पाकिस्तान पे और वो उसके वक्त राना सनाउल्ला खान पे और फिर हमारे हसास अदारे के अफसरान के ऊपर। अब वो पोजीशन चलती रही और दाखला ने इमरान को खत लिखा है कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, और आप मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं, अगर ऐसी सिक्योरिटी का उनको खतरा हो तो उनके ऊपर उनको ब्रीफ करना चाहिए, बाकायदा उसके ऊपर इकदाम लेना चाहिए। मैं आपसे दो बातें मलिक साहब कह दूँ, ये तो आपने बड़ी जो बात की बड़ा अप्रोप्रिएट है कि उनकी सिक्योरिटी वो एक सियासी हैसियत रखते हैं, वजीर आजम रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी तो हुकूमत को उसकी तफसीलात देनी चाहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और अगर उनके पास गवर्नमेंट से उनकी कोई इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है तो जानी चाहिए। मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, वो तो बिटवीन इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड इमरान खान है, वो उसके लिए अपनी हतलवसा जो रियासत इंतजाम कर सकती है करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या तरीकाकार है जिसपे इमरान खान अदारों के अफसरों के ऊपर, पुलिस के अफसरान के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर, और एक अपनी एक पोजीशन बना के जो वो खड़े हो गए हैं, तो ये तो इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा, उससे ऊपर क्या बात हो सकती है कि अगर को प्रोब करनी है। मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में जस्टिस असलम जाहिद की ट्रिब्यूनल बैठी थी, FIR भी बैठी थी, हम आज सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि बैठ जाए, और बैठ के सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम ने ना सिर्फ के इस पे जो ये जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ और उसमें उन्होंने ऑफर किया कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की तस्दीक तहकीक करे, ये क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं ये बात करते वहां पर, ये इनको तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी फेवरेटिज्म भी हासिल है, किसी को इस बात पे कुछ शक क्या है? क्या आप तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात करे, चीफ जस्टिस इसके ऊपर कमीशन बना दे, आप चाहते हैं? देखिए, ये मुतालबा मैं क्या चाहता हूँ, ये तो वजीर आजम मुतालबा कर चुके हैं और वेरी नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज फायर्ड अपॉन उस वक्त कर चुके हैं जब ये इनकी परवेज अली की हुकूमत थी और जब JITs का खेल खेला जा रहा था और जब तफ्तीश का रुख बदलने की कोशिश की जा रही थी, एक सीधा साधा एडमिटिंग पोजीशन पे खड़ा बंदा बयान दे रहा था, उस सारी चीज को निगेट करने के लिए, फैक्ट्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो ये इकदाम कर रहे थे, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट से इस बात की इस्तदा की थी कि आप इस मामले की कॉग्निजेंस लें।